इमरान खान की रवानगी के बाद जामे कराची में तलबा के दो ग्रुप्स में झगड़ा, 6 तलबा जख्मी, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। लेट क्यों आए, टाई क्यों नहीं पहनी, लाहौर के गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुलबर्ग के असातिज़ा का तलबा पर तशद्दुद, डंडों से वार करते रहे। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम फिर तब्दील, आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हसन नवाज ने तस्दीक कर दी, एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को कल तलब कर रखा है। नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को नोटिस, 2 नवंबर तक जवाब तलब, एहतसाब अदालत की चार्जशीट की मुसद्दिका नकल भी तलब। पनामा केस में काबिले वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर फैसला दिया गया, अकरम शेख के मुताबिक पनामा केस और इमरान खान के केस में मुताबकत है। आप ये बताएं, मुकदमात को लेकर जहांगीर तरीन के मुकदमे में अदम मुताबकत क्या है? चीफ जस्टिस के जहांगीर तरीन नाहली केस में रिमार्क्स, दस्तावेजात से मालूम नहीं होता रकम किस अकाउंट में मुंतकिल हुई, जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन का इजलास, राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्ला बाबर भी शरीक। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेटी निजाम 16 साल बाद बहाल करने की मंजूरी, सूबाई असेंबलीज मैजिस्ट्रेट्स को इख्तियारात देने की मजाज होंगी, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने मंजूरी दे दी। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, कंट्रोल लाइन के करीब शहरी आबादी पर शेलिंग पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मरासला भी हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय इकदाम खत्ते के अम के लिए खतरा है, मुहिम जोई के खतरनाक नतायज निकल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ी करप्शन का इंकशाफ, फिक्सिंग के बाद अब क्रिकेट पिच भी बिकने लगी, पैसे लेकर पिच तैयार करने वाला क्यूरेटर मुअत्तल, मुतनाज़े पिच पर ही भारत और न्यूजीलैंड का मैच जारी। और पाकिस्तान मोटर रैली डेरा इस्माइल खान से जनूबी वजीरिस्तान रवाना, रैली में 1000 से ज्यादा गाड़ियां और 250 मोटरसाइकिल शरीक।